अस्सलाम वालेकुम जूनियर टू, हाउ आर यू ऑल? बेटा आई होप यू हैव इंजॉयड योर वीकेंड. आई ऑल्सो इंजॉयड माई वीकेंड. फ्राम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम रिड्यूसिंग योर वर्क बिकॉज ऑफ रमदान. बेटा वी डोंट वॉन्ट टू ओवर बर्डनाइज यू एंड एज वेल योर पेरेंट्स ड्यूरिंग रमदान. दैट्स वाई आई एम सेंडिंग यू अ वेरी लेस वर्क. नाउ टेक आउट योर राइट ट्रैक, पेज नंबर 17, सेकेंड यूनिट, फ्रेंड्स इन नीड. आई होप यू हैव रिवाइज योर प्रीवियस रीडिंग. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. ओ सेड द डियर, डियर हिरन ने कहा, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए. व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे. आई हैव अ प्लान, आई हैव, मेरे पास अ प्लान, मंसूबा है. आई हैव अ प्लान, सेड द माउस, चूहे ने कहा. ही टोल्ड द डियर, उसने डियर हिरन को बताया. एंड द क्रो, और कव्वे को. अबाउट हिज प्लान, अपने मंसूबे के बारे में. द थ्री फ्रेंड्स वर हैप्पी, तीनों दोस्त खुश हो गए. टू हेल्प डियर फ्रेंड द टॉर्टस, अपने दोस्त कछुए की मदद करने के लिए वो खुश हो गए. द डियर वेंट नियर द टॉर्टस, हिरन जो है वो कछुए के नज़दीक गई. ही लेट डाउन ऑन द ग्राउंड, ही ले डाउन, लेट जाना, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर लेट गई. एंड प्रीटेंडेड, प्रीटेंडेड, प्रीटेंडेड होता है बेटा शो करना, यानी प्रीटेंड होता है दिखाना, अमल करना, यानी ऐसा ऐसा शो करना कि जैसे कि वो डेड यानी मरी हुई है. द क्रो फ्ल्यू towards the deer, अब कवा जो है flew towards towards आगे की तरफ उड़ा. the deer हिरन के पास. and pretended, और उसने भी ये शो किया. to peck at him, के उसको वो अपनी चोंच से जो मारना होता है वो peck at होता है चोंच के साथ मारना, यानी चोंच के साथ कुरेदना. उसने ये शो किया कि वो हिरन जो है वो मर चुका है और वो उसको अपनी चोंच के साथ मार रहा है. the hunter picked up his net, the hunter शिकारी ने picked up उठाया his net अपना जाल. with the tortoise inside it, जिसके अंदर कछुआ था. as he started walking home, जैसा कि उसने घर की तरफ चलना शुरू किया. he saw the deer, उसने हिरन को देखा. mark the reading paragraph, again start. oh said the deer, what do we do now, I have a plan, said the mouse. He told the deer and the crow about his plan. The three friends were happy to help their friend the tortoise. The deer went near the tortoise. He lay down on the ground and pretended to be dead. The crow flew towards the deer and pretended to peck at him. The hunters picked up his net with the tortoise inside it. As he started walking home, he saw the deer. Better do this reading again and again. Take good care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.